हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का कोर्स 10 का 14th लेक्चर है। कोर्स है डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, और हम लोग इसमें चैप्टर जो कर रहे हैं वो बुलियन अलजेब्रा का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, और बुलियन अलजेब्रा का चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, बीच में काफ़ी गैप हो गया, तो उसमें हमने बुलियन लॉज के बारे में बात की थी। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं बुलियन लॉज को यूज़ करके लॉजिक सर्किट का, वो देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। बेसिकली हम सर्किट्स के पहले बुलियन एक्सप्रेशंस पे जाएंगे, जो हमारा एक्सप्रेशंस होगा, फिर एक पर एक्सप्रेशंस हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा सर्किट भी हम अकॉर्डिंगली हमारा सिंपल सर्किट होगा। अब देखिए, कुछ लॉज जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, तो मैं जस्ट एक रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको कि ये लॉज थे। बहुत बेसिक लॉज हैं और ऑलरेडी आपको याद ही रहेंगे, इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। बट एक बार मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ हैं जो आपको भूलने के चांसेस होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, कुछ तो बेसिक हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा, आपने नहीं भी देखा है तो भी कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लॉज है जो कि आपको याद रखना है, जो यूज़फुल हैं, बट वो होता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो अब देखिए, इनमें से 20 लॉज हैं हमारे पास। ठीक है, इन 20 में तो ये जो शुरू के आपके 9 हैं, ये जो 9 लॉज हैं, ये बेसिक बुलियन रिलेशंस या लॉज हैं। 1 से 9, तो ये आपको ऑलरेडी आप इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। एंड और गेट पे है तो ये आपको याद रहेगा ही रहेगा, एंड और नॉट गेट पे है। ठीक है, उसके बाद 10 से लेके जो आगे 12 तक है, और फिर 15 से 18 तक है, इन सबको आप इन बेसिक लॉज को यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रूफ तो सबको कर सकते हैं, बट कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो ये 2 वाला, क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ है और ये थोड़ा सा भूलने का चांस होता है इसको। 13 14, लॉज नंबर 13 एंड 14। एग्जामिनेशन में इसको यूज़ करके आपको सिंप्लीफिकेशन करने का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि बाकी तो सिंपल है। ये दोनों को याद रखना है, और इन जनरल आप इसके जगह, ऐसा नहीं कि ए वेरिएबल मैंने रखा है तो यही मिलेगा आपको। हो सकता है कि जगह कुछ और, ए बार की जगह कुछ और, बी की जगह कुछ और, वेरिएबल चेंज हो सकता है, ए बी सी कहीं अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है, बट रूल यही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ये दोनों तो आपका क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हसार रहता है। इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स रिलेशन या लॉ। आपको क्वेश्चन में अक्सर, हाँ, हर साल ये होता है कि डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट करो, उसे प्रूव करो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसे डिस्कस भी किया था, और प्रूफ तो करके नहीं दिखाया था, बट मैंने स्टेप्स दिए थे, सिंपल ट्रूथ टेबल को यूज़ करके आपको इसको प्रूव करना है। मैंने बताया भी था, अगर आप लोग ने ट्राई किया, और प्रॉब्लली आप लोगों ने ट्राई किया होगा और सॉल्व हो गया होगा, प्रूव हो गया होगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ हो, किसी तरह की दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उस पर भी, उसके प्रूफ पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा, ये तो लॉज थे, इसके अलावा हमने लॉजिक गेट्स देखा था। लॉजिक गेट्स भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और लॉजिक गेट्स का जो अर्थमेटिक डिजिटल लॉजिक का जो चैप्टर, हमारा चैप्टर जो था अर्थमेटिक लॉजिक और डिजिटल लॉजिक, तो उसमें हमने नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, उसमें जितने भी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं वो सब हमने पढ़ा है। बस मैं एक रिमाइंड यहाँ पे आप लोग को फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ें, जैसे हमने ऊपर जो यूज़ किया है, तो एंड गेट यूज़ किया और नॉट सब यूज़ किया, उसी गेट्स को मैं एक बार और कुछ फिर से दिखा दूँ। और इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ भी है जो आपको याद रखनी है, ठीक, जो यूज़फुल है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये एंड और नॉट, नैंड नॉर जॉर्ज नॉर्थ, यहाँ तक का तो आपको तो याद ही रहता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल एक्सप्रेशन है, एंड है और है, नॉट है, नैंड है, नॉर है, ये आपको समझ गया। एक चीज़ जो याद रखना होता है जॉर वाले में, देखिए जॉर का एक्सप्रेशन अब जनरली इसको याद रखना है, ए प्लस साइन सर्किल ए जॉर बी हो गया, सिंपल ये है। लेकिन आपको यूज़ करना होगा अगर, तो ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आपको याद रखना है जॉर गेट के लिए। मतलब
अगर एज और बी है तो उसका मतलब हुआ ए बी बार प्लस ए बार बी। आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका ये वेरिएबल्स जो है वो कम्यूटेटिव हैं, तो बी बार ए हो या ए, मतलब एक बार में एक बार पहली बार में अगर किसी एक में बार होगा तो दूसरी में बार होगा तो यहाँ बी में है तो ए में। अगर ये शिफ्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। और दूसरा जो आपको याद रखना है ये वाला एक्स नॉर, वो एक्सक्लूसिव और का था या एक्सक्लूसिव नॉर का है, ठीक। याद तो आपको सब रखना है, बट अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स और सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, उसमें हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होगी, ये दो और डी मॉर्गन्स लॉ वाला और ये दोनों, ठीक। तो इतना चीज़ आपको याद तो सब रखना है, बट इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें भूलने के चांसेस होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस लेंगे। मैंने 5 क्वेश्चंस तैयार किया है और हम एक करके सबको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अकॉर्डिंगली आप बुक से कोई उस तरह के और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस का लिस्ट है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस है। तो क्वेश्चन इसमें आपका होगा प्रूव दैट, रिलेशन दे देगा, प्रूव करने कहेगा या लिखेगा बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। तो जैसे भी क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन देखिए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, 5 क्वेश्चन देख लिया आपने, अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए प्लस प्लस ए जोर बी, अभी मैंने आपको बताया था ना, यूज हो जाएगा यहाँ पे, और ये निकालना है ए प्लस बी है उसका बार है प्लस ए बार प्लस बी बार, फिर इनका बार, इनके दोनों का बार, और फिर पूरे पे बार है, ठीक है। एक बार यहाँ पे है, एक बार इन दोनों पे है, फिर एक बार है, फिर दोनों पे बार है, ठीक है। तो यहाँ हमें जाहिर सी बात है कि जोर वो डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो लिखिए प्रूफ में राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार का बार का बार। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए एक टर्म और इसको मान लीजिए एक टर्म, तो क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ जो था, मान लीजिए इसको हमने सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो सी प्लस डी का बार। तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि अगर ए प्लस बी का बार हो तो क्या हो जाता है, ए बार इंटू बी बार। तो इसका इसको मैंने सी माना था, इसको डी माना था, ये प्लस करके बार है तो हो जाएगा सी बार डॉट डी बार। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार, अपना एक बार है और फिर ऊपर एक और बार होगा, इनटू एंड हो गया, ये एंड है डॉट एंड है, और ये ए बार प्लस बी बार का बार का बार। क्या यूज़ किया हमने, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ आपने यूज़ किया है, सी डी के टर्म लिखते हैं जो कंफ्यूजन ना हो जाए, सी प्लस डी का अगर बार होगा तो हो जाएगा सी बार इंटू डी बार, ठीक है। इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर, अब सिंप्लीफाई कीजिए। एक बुलियन लॉज था कि अगर बार का बार होगा, मैंने इन्वर्ट किया, अपने फिर इन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ए टर्म मिल जाएगा ए प्लस बी, ए का डबल बार वो भी एक लॉ है, एक का डबल बार ए होता है, उसी तरह ए प्लस बी का डबल बार ए प्लस बी होगा, एंड यहाँ भी डबल बार है तो क्या बन जाएगा ए बार प्लस
प्लस बी बार, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल, मतलब एंड गेट है दोनों के बीच, और है री एंड है, तो करेंगे तो क्या आएगा, ए ए बार एंड, ए ए बार का एंड, अब डॉट लिख सकते हैं, हम कितना लिखे, ए बी बार डॉट लिख सकते हैं, इसको मिल सकते हैं, ए बार का मतलब ए डॉट ए एंड ए बार है ही, बी ए बार बी बी बार। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ए ए बार जीरो होगा, बी बी बार जीरो होगा, ठीक है। तो बच क्या गया हमारे पास, ए बी बार प्लस बी ए बार, ये बच गया ए बी बार प्लस बी बार। और आपको अभी जॉर गेट के लिए हम क्या बताए थे, एक एक्सप्रेशन था आपका जॉर गेट का, रहेगा ए जॉर बी, सिंस आपको ए जॉर बी क्या होता है, ए बी बार प्लस बी ए करिए, या इसको ए बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी ए बार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक। तो हमारा आर एच एस राइट हैंड साइड आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया, अप्रूव हो गया हमारा, सॉरी राइट हैंड साइड जो हम लिख के चले ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको काट दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अप्रूव हो गया। एक हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, फिर ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी इजकल टू जीरो। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, हमें आर राइट हैंड साइड लाना है, सॉरी ये जीरो है या वन है, एक मिनट, ये मैं गलती, ये आपका वन है, जीरो नहीं, मैंने गलती से लिख दिया था, ए बी का बार ए बार प्लस ए बी इजकल टू वन, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, पहले यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी, लिख सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, यूजिंग सारे लॉ यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ जो लॉ यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, बट सब नहीं कि इसमें लिखने का उतना जाए, डी मॉर्गन्स लॉ कौन सा, मान लीजिए सी बी टी कर, सी डी अगर बार होगा सी बार प्लस डी बार, आप ए बी के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपके पास आ गया, तो इसमें क्या करें, देखिए ए बार और ए बार सेम है, तो ए बार प्लस ए बार ही आएगा, प्लस बी बार आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार, इन दोनों का एड और होगा तो ए बार ही बचेगा प्लस ए बी, फिर यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर लीजिए उल्टा करके, तो क्या आ जाएगा, ए बी का बार और ए बी। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए, आपके पास एक्सप्रेशन होता था, इसको अगर हम एक टर्म मान लें, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है, तो हमारे पास एक ब्रूलियन लॉज था कि अगर सी बार ए बी को मैंने माना सी मान लिया, ठीक है, तो सी का बार प्लस सी क्या होगा, अगर एक वेरिएबल उसका बार लेते हैं, उसके साथ और कर रहे हैं बार के साथ उसको, उसके इनिशियल वेरिएबल को, तो हमारे पास क्या आएगा, वन ही आएगा, ये अगर जीरो होगा तो ये वन होगा, ये वन होगा तो ये जीरो होगा, तो इसको हमने वही मान लिया है, अगर ये सी मान लेते हैं सी बार सी होगा, तो इसलिए हमारा ये रिजल्ट वन आना चाहिए। ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, तो हमारा ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, हमने फिर अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड लिया प्रूफ करने के लिए, और इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों में देखिए ए कॉमन है,
हमें ध्यान रखना क्या लाना है। एसी बार टर्म तो आना ही आना है, बीसी बार लाना है, तो एसी को हम रहने देते हैं ठीक है, और इन दोनों को लेते हैं साथ। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बी कॉमन आ गया, तो ए प्लस सी बार बी ठीक है। कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, हम शिफ्ट कर सकते हैं, ए बी को बी एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए सी हो गया ठीक है। अब यहाँ पे वो जो बूलियन लॉ मैंने घेरा था ठीक है, उसको यूज़ करना है। क्या था वो, था कि इसको आप थोड़ा अगर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए प्लस जो मैंने आपको घेर के बताया था कि याद रखना भूलते हैं, तो वो क्या लॉ था हमारे पास कि ए बार प्लस बी अगर आप लिखते हैं तो आपके पास क्या होगा, ए बार प्लस ए बी फ्रॉम बूलियन लॉस ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, हमने ए की जगह सी रखा है और बी की जगह ए रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी बार प्लस सी ए और बी बार में प्लस ए सी ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सी बार बी या बी सी बार, ये हो जाएगा बी ए सी कर देते हैं, कम्यूटेटिव है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ए सी, तो ये बी सी बार हो गया, और यहाँ से ए सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस वन ए सी। और किसी में भी आपको ये भी एक बूलियन लॉ है कि बी प्लस वन अगर होगा तो रिजल्ट आउटपुट आपका बी और वन का और कर रहे हैं तो वन ही आना है, तो ये आ गया बी सी बार प्लस ए सी। उलट के लिख दीजिए, ए सी प्लस बी सी बार, यही राइट आंसर है आपका, प्रूव हो गया ठीक। ये देख लीजिए क्वेश्चन का, ए सी प्लस बी सी बार था, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग फोर्थ पे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फोर है, इसका हमने अगेन प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब यहाँ पे सीधे वो हम बूलियन लॉज जो था वो लगा देते हैं, बूलियन लॉज क्या था हमारे पास, यहाँ भी ये बूलियन लॉज यूज़ कर लेंगे, ए प्लस ए बार जो मैंने कहा था याद रखना है, ए बार बी इजल टू ए बी और ए बार ए सी इजल टू ए प्लस सी। सॉरी सॉरी, ये नहीं ए बी नहीं है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ए भी नहीं, ए प्लस ए बार बी, ए बूलियन लॉज में देख लीजिएगा जो लिस्ट है उसमें, ए प्लस ए बार बी इजकल टू ए बी और ए बार प्लस ए सी इजकल टू ए बार प्लस सी ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार बी और ए बार प्लस सी की जगह आ जाएगा ए बार प्लस ए सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए ए बार हो गया, ए ए सी ए बार बी ए बार प्लस ए बार बी ए सी ठीक है, ये हो गया। अब ए बार तो जीरो हो जाना है, ए ए आपके पास ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म में जीरो हो गया, सेकंड टर्म ए सी हो गया, ए बार भी ए ही रह जाएगा तो हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बार और ए बार, हाँ ए भी है और ए बार भी है, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ए बार बी सी हो जाएगा, ए बार है तो ज़ीरो हो गई, ये फर्स्ट में ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो है, फर्स्ट टर्म ज़ीरो लास्ट टर्म ज़ीरो है, हमारे पास क्या आ गया, ए सी प्लस ए बार बी, ये तो आपका राइट हैंड साइड है, देखिए तो लाना था ना ए सी प्लस ए बार बी राइट हैंड साइड।
अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको लिख लेते हैं पहले। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर किया है, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ए अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, बी प्लस बी बार सी और बी सी को हमने एक मिनट यहाँ थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये बी सी बार है बेसिकली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बी सी बार होगा, ये बी सी बार होगा। अब हमने इस तरीके से वाले फॉर्म को अभी उन्हें क्या लिखा था, अगर ए प्लस ए बार बी था तो हम ए प्लस बी लिख रहे थे, ये बी प्लस बी बार सी है तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस सी प्लस बी सी बार, ठीक है। अब हम इसको ए बी कर लेंगे प्लस ए सी प्लस बी सी बार, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ए सी है तो ए सी को छोड़ते हैं, हम इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को लेंगे तो बी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस सी बार बी कॉमन प्लस ए सी, इसको हम उलट के लिखते हैं सी बार प्लस ए बी इक्वल टू ए सी। अगेन बूलियन लॉज हम लगाएंगे भाई, ए बार प्लस बी वाला तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सी बार प्लस सी ए या ए सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए सी, तो ये आ गया मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बी सी बार प्लस हो जाएगा बी ए सी प्लस ए सी। फिर हमने बी सी बार लिया और इसमें कॉमन ले लिया गया, ए सी कॉमन हो गया तो बी प्लस वन ए सी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी बार हो गया हमारा। बी प्लस वन हर एक हालत में आप देख ही चुके हैं लॉ में था, ऐसे भी कॉमन सेंस से भी यूज़ करेंगे तो ये वन ही आना है, वन इंटू ए सी इसको टू ए सी हो गया। अब कहीं ए सी प्लस इसको लिख देते जाके हम ए सी प्लस बी सी बार अगेन राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार आपका सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया फिर आप उस पर गेट अपना सर्किट बना सकते हैं, जैसे कि यहीं पे है, कहाँ यहाँ पे तीन टर्म था, एक में तीन इनपुट था, तीन टर्म है, एक दो इनपुट वाले दो टर्म है, तीन इनपुट वाला एक टर्म है, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आसान हो गया। अब इसमें एक एंड गेट एक और गेट, एक नॉट गेट लगेगा, जबकि यहाँ देखिए यहाँ एक एंड गेट, दो एंड गेट, तीन एंड गेट लग जाएगा, दो नॉट गेट और एक और गेट लगता, तो सिंप्लीफाई हो गया, नंबर ऑफ गेट्स कम हो गए और आसान हो गया ये। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद मीन टर्म मैक्स टर्म करेंगे और फिर आगे के मैप की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कहीं कुछ कोई कमी रह गई हो तो। और मेरा चैनल आप जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं खुद सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी लिंक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए थैंक यू।